अरे वाह, ओनली 150 रुपीज। 80 रुपीज। ओ वाओ, क्या वाओ यार, मैं आरना स्टॉप पे ज्वेलरी कलेक्शन देख रही हूँ। वैसे तू क्या कर रही है? अरे यार, यूट्यूब की नेक्स्ट वीडियो प्लान कर रही हूँ। वैसे क्या बोला तूने, आरएनआर स्टॉप? आरना स्टॉप ज्वेलरी कलेक्शन काफी अच्छा है उनके पास। जेन्युइन है? हाँ, काफी जेन्युइन है। और कैसे आप फ्रॉड पेजेस को आइडेंटिफाई कर सकते हो, चलिए बताते हैं। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई एम रैना। आई एम रेनुका। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि आप एक फ्रॉड इंस्टाग्राम पेज को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कि इन फ्यूचर अगर आप शॉप करते हैं इंस्टाग्राम पेज से तो अपने आप को कैसे फ्रॉड से बचा सकते हैं, इन पॉइंट्स का ध्यान रखकर। आगे बढ़ने से पहले रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दबाना मत भूलना, और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके आपको ऑल पे क्लिक करना है, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप हमारी सारी वीडियो एंजॉय कर सके। जो ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, फॉर योर इन्फॉर्मेशन, रैना और मेरा एक इंस्टाग्राम स्टोर है, आरएनआर स्टॉप। तो हमारे स्टोर का कलेक्शन मैं आपको अभी दिखा देती हूँ। दिस ब्यूटीफुल हार्ट शेप झुमकी, तो ये व्हाइट कलर में, यू नो व्हाइट कलर झुमके में बहुत ही रेयर मिलता है, कम मिलता है, तो ये पर हमारे पास अवेलेबल है। और भी अलग अलग डिजाइन पे हमारे पास व्हाइट कलर में अवेलेबल है। अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप हमारे पेज पे विजिट कर सकते हैं और आप इजिली इस झुमके को परचेज कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमें काफी टाइम से डीएम्स आ रहे थे आरएनआर स्टॉप पे कि कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल है, या फिर काफी सारी क्वेरीज, जो कि हम इसी वीडियो में पूरा सम अप करके आपको इसका आंसर दे देंगे। तो चलते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट पे, जो कि बहुत कॉमन है। इस टाइप के पेज अपने कॉमेंट सेक्शन को ऑफ करके रखते हैं कि कोई भी नेगेटिव फीडबैक दूसरे लोगों तक ना पहुंचे। सपोज अगर मेरे साथ फ्रॉड हुआ है और ये लोग मुझे रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, तो सबसे पहला थॉट आएगा कि मैं इनके कमेंट सेक्शन पे लिखूं कि कल को कोई न्यू यूजर आता है तो उसको देखे और वो फ्रॉड होने से बच सके। एंड सेकंड आता है प्रमोशन। तो ऐसा नहीं है कि ये लोग प्रमोशन नहीं करते हैं, फेक पेजेस भर भर के प्रमोशन करते हैं, क्योंकि इंस्टाग्राम पे प्रमोशन करना बहुत ही ईजी है। आप बिल्कुल न्यू हो या फिर आपके पास अननोन पेज है, तब भी आप इंस्टाग्राम के थ्रू प्रमोशन कर सकते हैं, क्योंकि आपको कुछ पैसे पे करना होता है इनको, आपका जो पोस्ट है वो प्रमोशन पे आ जाता है। तो प्लीज, जब भी आप एक स्पॉन्सर्ड पेज देखते हैं और बहुत ही अच्छी फोटो देखते हैं कि ये बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम सेल पे है, तो प्लीज जाके पहले आपको पेज चेक करना है, जो जो हम आपको पॉइंट्स बता रहे हैं उसको ध्यान पे रखना है, तब जाके आपको प्लेस करना है ऑर्डर, अदरवाइज आपके साथ स्कैम हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सट्रीम डिस्काउंट, जो कि आपको देखते ही बहुत अनरियल लगेगा, क्योंकि जब हमने अपना आरएनआर स्टार्ट किया था तो हमने बहुत रिसर्च करी थी, काफी पेजेस को रिव्यू किया था, और एक पेज में तो हमने ये भी देखा था उन लोग 99 रुपीज में 3 टॉप दे रहे थे, जो कि हो ही नहीं सकता। हमें उसी टाइम लग गया था कि वो शायद फेक है पेज। हाँ, तो प्लीज ये भी देखना, देख के ऐसा नहीं लगना रहे 1 रुपए की चीज मिलती है, हाँ। लेने चले जाओ। नेक्स्ट आता है फॉलोअर्स। बहुत बार जो फेक पेजेस होते हैं वो अपने फेक फॉलोअर भी रखते हैं, ताकि जो दूसरे लोग आए उनको लगे कि यार पेज की रेपुटेशन है। बट आप फॉलोअर कैसे पता कर सकते हैं कि वो फेक है? आपको फॉलोअर लिस्ट को चेक करना है और आपको फॉलोअर्स को ध्यान से देखना है। फर्स्ट, बहुत ही अजीबोगरीब आपको उनके यूजर नेम मिलेंगे। देन सेकेंड, ज्यादातर बाहर के यूजर नेम या बाहर के लोग होंगे। देन थर्ड, जो अकाउंट हो गए ना, उन अकाउंट को अगर आप ओपन करके देखेंगे तो ऑलमोस्ट आपको 0 पोस्ट दिखेगा, या जो उनकी फॉलोअर्स होंगे ना वो 0 होंगे, क्योंकि वो सारे अकाउंट, बहुत सारे अकाउंट को फॉलो करते हैं। और ये भी हो सकता है कि वो उस अकाउंट में किसी और का ही मेन अकाउंट अटैच हो। हाँ, या फिर आप कुछ देखेंगे जो फॉलोअर वो तो 30-40 thousand उनके पास, पर जो पोस्ट पे लाइक है वो आपको ओनली 10-15 मिलेगा। हाँ। लाइक इतना बड़ा रेशियो नहीं हो सकता, मे बी ऐसा हो सकता था लाइक 100 या 200 या 300, बट 10-15 लाइक एंड 30-40 thousand फॉलो बहुत बड़ा डिफरेंस है, जो कि आपको एक हिंट देता है कि ये फेक पेज है। ऐसा जरूरी नहीं है कि लाइक सारे फेक फॉलोअर वाले फेक पेजेस हो, क्योंकि बहुत लोग क्या होते हैं, बिल्कुल नए नए आते हैं, नए नए इंस्टाग्राम पेज बनाते हैं, उनको जब ग्रोथ नहीं मिलती है तो उस टाइम पे कुछ ऐसे स्टेप्स ले लेते हैं कि वो फेक फॉलोअर खरीद लेते हैं। पर कभी भी फेक फॉलोअर्स आप मत खरीदना, उनका फायदा नहीं होता है। जो भी चीज हो, ऑर्गेनिक हो, वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इंस्टाग्राम भी उसको अप्रूव नहीं करता और आपके अकाउंट का वो डेड करने लग जाता है, आपको न्यू फॉलोअर देना बंद कर देता है, आपकी रीच देना बंद कर देता है, तो ज्यादा बेटर है ऐसे काम मत करना। तो काफी लोगों का ये क्वेरी था कि हमने सीओडी अवेलेबल क्यों नहीं कराया है, कैश ऑन डिलीवरी। तो बेसिकली क्या है, जो हमारा बिजनेस है ना, वो हमने बिल्कुल ही इनिशियल लेवल पे स्टार्ट किया है, और हम यूट्यूब से इतना नहीं अभी अर्न कर रहे कि हम उसमें हम सीओडी अफोर्ड कर सके। तो कैश ऑन डिलीवरी में ना क्या होता है, बहुत बार आप जब प्रोडक्ट सेंड करते हैं तो जो कस्टमर होते हैं ना वो लेने से मना कर देते हैं या अवेलेबल नहीं होते, बहुत बार जो प्रोडक्ट होता है वो वापस रिटर्न आ जाता है। तो अभी हम इस पोजिशन में नहीं है कि हम उस लॉस को बियर कर सके, यू नो प्रोडक्ट को ले जाने और रिटर्न आने का जो खर्चा है ना, वो फिर हमें ही बियर करना पड़ता है, क्योंकि कस्टमर तो मना कर देते हैं। तो जब हम इस पोजिशन में आएंगे, हम जरूर आपको कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल करवाएंगे, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि हमारा बिजनेस भी ग्रो हो। तो जैसे जैसे आप लोगों का हमें प्यार मिलता रहेगा, आपका सपोर्ट मिलता रहेगा, एंड होपफुली हम वन डे आपको सीओडी अवेलेबल करवा पाएंगे। एंड सेकंड था लाइक हमारे पास वेबसाइट क्यों नहीं है।
कि पेमेंट हम गूगल पे फोन पे के थ्रू क्यों ले रहे हैं, क्योंकि एक वेबसाइट ओन करना ना मेंटेन करना काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, ईयरली की फीस होती है उसकी, हाँ, जो अभी हम बेयर नहीं कर सकते। और हम नहीं चाहते थे कि हम आपको कोई ऐसी वेबसाइट प्रोवाइड करवाए जिसमें आपको डिफिकल्टी हो ऑर्डर करने में, प्रोडक्ट देखने में। तो जब हम लेके आएंगे वेबसाइट, उस टाइम वेबसाइट भी हम काफी अच्छी लाने की कोशिश करेंगे, ताकि आप इजिली हमारे प्रोडक्ट को पूरा चेक कर सके, अच्छे से डिटेल पढ़ सके और अपना ऑर्डर प्लेस कर सके। जैसे मैंने कहा, आप लोगों का प्यार मिलता रहेगा, सपोर्ट मिलता रहेगा, एक दिन हम सीओडी प्लस में अपनी वेबसाइट आपको जरूर प्रोवाइड करवाएंगे। प्लीज 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 डू फॉलो अस ऑन आर RNR स्टॉप, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये छोटा सा सपोर्ट कर देना, अगर आपको परचेज भी नहीं करना तो प्लीज प्लीज हमारा स्टोर आप लोगों के साथ शेयर करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, मे भी हो सकता है किसी को पसंद आ जाए। जैसे कि अभी शादी सीजन चल रहा है तो ये झुमकी बिल्कुल परफेक्ट है आपको शादी वादी में जाने के लिए। इससे भी हैवी भी है हमारे पास कलेक्शन, आप वो भी चेक कर सकते। जो लोग आउट ऑफ दिल्ली रहते हैं या दिल्ली की सामान उनके रीच में नहीं है, हम उनको भी तक पहुंचाते हैं। जैसे थर्ड कस्टमर थे जो MP से थी, हाँ, तो प्लीज हम ऑल ओवर इंडिया पे प्रोवाइड करवाते हैं अपना प्रोडक्ट। तो इसी प्यारे से नोट के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। तो इस टाइप के पेज अपना यूजर नेम कॉन्स्टेंटली चेंज करते रहते हैं, क्योंकि अगर इन केस अगर मेरे साथ फ्रॉड हुआ है तो मैं ऐसे पेज को शाउट आउट करूंगी कि लोगों के नोटिस में ये पेज आया और वो इस पेज से शॉप ना करें। तो इसी रीजन से वो अपना यूजर नेम चेंज करते रहते हैं। अगर आपको जानना है किसी पेज ने कितनी बार अपना नेम चेंज किया है तो आप ये ट्राई कर सकते हैं। आपको जाना है टॉप राइट कॉर्नर पे, आपको 3 डॉट्स मिलेंगे, वहां से जाके आपको जाना है अबाउट अकाउंट में। अबाउट अकाउंट में अगर जाते हैं तो आपको ऑप्शन मिलते हैं कि ये पेज कब क्रिएट हुआ है, कौन सी कंट्री से है, और थर्ड आता है फॉर्मर यूजर नेम की कितनी बार उसका अकाउंट चेंज हुआ है। तो आपको वहां पे सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, और ज्यादा बार चेंज हुआ तो आपको सामने सामने हिंट मिल जाएगा कि फेक पेज है। नेक्स्ट आता है कि ऐसे जो फेक पेजेस होते हैं अपना फेस ना रिवील नहीं करते हैं। भले ही ऐसा नहीं है कि जो फेस रिवील नहीं करते हाँ। वो 100% फेक है, कुछ जेन्युइन पेज ऐसे भी है जो फेस रिवील नहीं करते हैं, बट जो आप उनका फीड देखेंगे ना, फीड देख के आपको साफ पता चलेगा, जो उनकी फोटोज होगी, जो उनके प्रोडक्ट की वीडियोस होगी वो उन्होंने खुद क्रिएट किया होगा, या फिर किसी और पर्सन की वीडियो होती है उनके अकाउंट पे तो वो उन पर्सन को टैग करते हैं। और आप उस टैग्ड पर्सन को चेक करके ये भी देख सकते हैं कि वो जेन्युइन पर्सन है या नहीं है। बट जो फेक पेजेस होते हैं वो किसी भी पर्सन को टैग नहीं करते हैं, और सामने आपको देख के पता चल जाएगा कि वीडियोस ऑलमोस्ट फेक होगी, बिल्कुल ही अलग अलग पर्सन दिखेंगे, बिल्कुल ही अलग अलग क्लोज दिखेंगे, एंड जो फोटोज होगी ना ऑलमोस्ट आपको लगेगा कि इंटरनेट से उन्होंने डाली है, ऐसा लगेगा ही नहीं कि उन्होंने हाँ। खुद क्लिक करी है, और देखते ही आपको फिशी लगेगा वो देखने में। बट RNR स्टॉप में आपको हम दोनों का फेस मिलेगा, और जैसे कि टाइम बढ़ता जा रहा है इंस्टाग्राम पे और कॉम्पिटिशन बढ़ता जा रहा है, फ्रॉड बढ़ता जा रहा है, पेजेस बढ़ते जा रहे हैं, सो प्लीज बी अवेयर एंड बी सेफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वी होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करना मत भूलना। हाँ, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना।